वीडियो में हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन वाला टॉपिक शुरू किया था और उसमें हमने कितने केसेस डिस्कस किए थे 6 केसेस कौन-कौन से इशू एट पार रिडीमेबल एट पार इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार इशू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार इशू एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम और लास्ट केस रिलेटेड क्वेशन डि अपनी बुक निकाल लो टी एस ग्रेवाल जी की पहले एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अगर पार तो क्या है ये इशू एट पार रिडीमेबल एट हंड्रेड यानी की इशू भी पार पर हो रहा है और रिडीम भी पार हो रहा है तो कौन सा केस हो गया ये इशू एट पार रिडीमेबल एट पार फर्स्ट एंट्री बताओ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट और हमने पढ़ा था क्या करते हैं जितने में इशू किया या जितना अमाउंट रिसीव किया कितने में इशू कर रहे हैं सौ रुपए में तो यहाँ पर मैं कितना लिख दूँ, हंड्रेड एंड हंड्रेड ओके फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हमारी नौ सेकेंड एंट्री पहली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर खत्म दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से शुरू लिखू मैं यहां पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ऊपर वाला अमाउंट कितना है ऊपर हंड्रेड टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट और परसेंटेज डिबेंचर्स के आगे हमेशा उसकी फेस वैल्यू ओके तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट क्लियर है इशू एट पार रिडीमेबल एट पार वाला नाउ सेकेंड क्वेश्चन टेन परसेंट ऑफ रुपीज हंड्रेड इशूड रेट नाइन्टी फाइव बेटा इशूड रेट नाइनटी फाइव अगर सौ रुपए का डिबेंचर है लिखते हैं टू डिचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जितने में इशू किया कितने में इशू किया इशू डी फाइव कितना अमाउंट लिखू

डिस्काउंट का अमाउंट अगर ना पता चले डिस्काउंट का अमाउंट पहले परसेंटेज डिबेंचर लिखना चाहो वो लिख लो परसेंटेज डिबेंचर के आगे हमेशा फेस वैल्यू और डिस्काउंट के आगे डिफरेंस भी लिख सकते हैं आप पाँच हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई ये कौन सा केस है इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार डिस्काउंट होगा तो सेकेंड एंट्री में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट आएगा बच्चे नाउ थर्ड केस टेन परसेंट डिवेंचर ऑफ हंड्रेड इच इशूड जितने में इशू किया इशूड में इशू किया एक सौ पांच में रिपेबल एट हंड्रेड सौ की चीज एक सौ पांच में इेंदा में यानी कि इशू डीमियम रिडीमेबल एट पार जब इशू एट प्रीमियम होता है तो सेकेंड एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आता है और कोई भी केस हो केस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कोई भी केस हो फर्स्ट एंट्री हमेशा क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं टू में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट और अमाउंट कौन सा आता है जितने में इशू किया कितने में इशू किया एक सौ पांच में लिख देते हैं एक सौ पांच एक सौ पांच पहली एंट्री खत्म फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर खत्म सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से शुरू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्यों आया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यहाँ पर क्योंकि हमने डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू किया है तो अगर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो सेकेंड एंट्री में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व आता है अगर डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो सेकेंड एंट्री में डी से डिस्काउंट डी से डेबिट आता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम होता है तो सेकेंड एंट्री में दो भाई आते हैं कौन कौन

टेन परसेंट डिचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट कौन सा आएगा जितने में इशू किया कितने में इशू किया बेटा हंड्रेड एंड हंड्रेड सेकेंड एंट्री

टू परसेंटेज डिबेंचर प्रीमियम रिडेम्पशन दोनों भाई भाई हैं जितना रिडीमेबल एट प्रीमियम है सौ रुपए का डिबेंचर रिडीम करते समय एक सौ पचास प्रीमियम कितना दे रहे हो आप रिडेम्पशन के समय दोनों का डिफरेंस कितना डिफरेंस आ रहा है एक सौ पचास और सौ में फिफ्टी तो डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर आ रहा है एंट्री कंप्लीट नेक्स्ट क्वेश्चन टेन परसेंट डिवेंचर ऑफ रुपीज हंड्रेड इच इशूड एट नाइन्टी फाइव रीपेबल एट एक सौ पांच इशू एट नाइन्टी फाइव क्या पता चल रहा है क्या है ये इशू एट अ डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ओके फर्स्ट एंट्री बोलो टू क्या लिखू यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जितने में इशू किया कितने में इशू किया 95 लिख देते हैं यहाँ पर 95 95 अब अपनी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं इशूड एट अ डिस्काउंट अगर इशूड एट अ डिस्काउंट होता था तो सेकंड एंट्री में डी से डिस्काउंट डी से डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आना चाहिए फिर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम है तो सेकेंड एंट्री में दो भाई आने चाहिए तो दोनों कंडीशन हमें फुलफिल करनी पड़ेगी डिस्काउंट भी लिखोगे और दोनों भाइयों को भी लिखोगे क्या बनाए सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू टेन परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट टू क्या बच गया प्रीमियम ऑन ऑफ़ डिबेंचर्स अकाउंट अब यहां पर क्या करना है अमाउंट पुट करना सीखना है. का लिखो परसेंटेज डिबेंचर के आगे हमेशा हमारी फेस वैल्यू थर्ड स्टेप अपना डिस्काउंट लिखो सौ रुपए का डिबेंचर पिचानवे में इशू किया है कितना डिस्काउंट हो गया बेटा पांच और फोर्थ स्टेप होगा आपका लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दोनों भाइयों के, के समय उसके एक सौ पांच रूपये का भुगतान कर रहे हो सौ के बदले में एक सौ पांच तो दोनों भाइयों के सामने आ गया पांच रूपये और पांच रूपये चेक कर लो डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर है बिल्कुल है अगर यही क्वेश्चन आपसे वो बोल दे एक हजार डिवेंचर के लिए है तो पहले एक डिबेंचर का अमाउंट लिख के फिर आप उसको हजार से मल्टीप्लाई कर सकते हो तब भी आपका आंसर आ जाएगा लास्ट केस टेन परसेंट डिबेंचरू हंड्रेड इशू एट एक सौ पांच रिपेबल एट एक सौ दस इशू प्रीमियम रिडीमेबल एट अ प्रीमियम क्या करेंगे इशू एट प्रीमियम सबसे पहली एंट्री बोलो ये मैं नहीं कर रही हूं आप खुद करके मुझे सेंड करोगे सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट एंट्री बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन

तो इशू के समय कितना प्रीमियम सौ और एक सौ पांच का अंतर 5 के समय कितना प्रीमियम सौ और एक सौ दस का अंतर दस रूपये तो दस रूपये आपका लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के आगे आएगा और परसेंटेज डिबेंचर के आगे हमेशा फेस वैल्यू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के आगे जितने में इशू किया कितने में इशू किया है एक सौ पांच में ठीक है इसको करके मेरे को सेंड करो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी वीडियो को पॉज करो पहले इसे एंट्री को करो एक चीज और जो मुझे आपको पिछले उसमें बताना है बहुत सारी बुक्स में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को एक साथ क्लब भी कर देते हैं तो यहाँ पर कई बार ना खाली लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी लिखा हुआ होता है यहाँ टेन रुपीज़ तो इस तरीके से भी हम मेंशन कर सकते हैं ये भी ठीक है और वो तरीका भी ठीक है क्योंकि अगर हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं तो वो भी कंपनी के लिए लॉस है और रिडेम्पशन के समय ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो वो भी कंपनी के लिए लॉस है तो टोटल लॉस ही दस बैठता है कंपनी के लिए कायदे में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन एक ये देखते हैं कोई खास फर्क नहीं है बस यहाँ पे डिबेंचर की जो कीमत है वो सौ रुपए होने की बजाय वो क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से बता रहे हैं कि अगर आपको तीस हजार रुपए के डिवेंचर इशू करने हैं तो आप उसको कैसे करोगे रुपीज थर्टी थाउजेंड डिवेंचर ऑफ रुपीज हंड्रेड इच रुपीज थर्टी थाउजेंड है दोबारा से मल्टीप्लाई मत कर देना इस क्वेश्चन को करने के बेटा दो तरीके हैं पहला तरीका तो ये है कि आप ये सोचो कि तीस हजार रुपए के डिबेंचर्स हैं सौ रुपए का एक यानी कि तीन सौ डिवेंचर हो गए जो आपको इशू करने हैं और आप सौ डिबेंचर्स के हिसाब से पहले एंट्री कर लो और फिर उसको तीन सौ से मल्टीप्लाई कर लो दूसरा तरीका है जो अगर बच्चों को समझ में आते हैं, वो फॉलो कर सकते हैं ऐसे मान लो कि ये तीस हजार फेस वैल्यू है एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है और फिर क्वेश्चन को करके देख लो जैसे कि क्वेश्चन पढ़ो इशूड रुपीज थर्टी थाउजेंड टेन परसेंट डिवेंचर ऑफ रुपीज हंड्रेड इच एट प्रीमियम ऑफ टेन परसेंट

सवाल के शुरू में ही मैंने ऐसे कैलकुलेट करके रख लिया की तीस हजार रुपए को मैंने एक सौ तो रुपए है अब उसको समझ लो सौ रुपए का डिबेंचर इशू एट अ प्रीमियम ऑफ टेन परसेंट सौ का दस परसेंट कितना होता है टेन रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ पंद्रह परसेंट तो सौ का पंद्रह परसेंट हुआ पंद्रह यानी कि इशू कर रहे हो आप उसको एक सौ दस में और रिडीम कर रहे हो आप उसको 115 में तो इस तरीके से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रख ली और मेरी उस डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 अब आप एंट्री कर सकते हो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जितने में इशू किया एक डिबेंचर को कितने में इशू कर रहे हैं हम एक में तो सपोज मैंने पहले एक डिबेंचर की कीमत लिख ली एक सौ अब मुझे मालूम है कि तीन सौ हैं जो हमने इशू करे तो एक सौ दस को तीन से गुणा कर सकते हो कितना अमाउंट आ जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो वही आपका तैतीस हजार और तैतीस हजार नाउ सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से शुरू और क्योंकि इशू एट प्रीमियम है तो सेकंड एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आएगा रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो सेकेंड एंट्री में दो भाई आएंगे एंट्री करके देखते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू टेन परसेंट डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अब बारी आती है अमाउंट लिखने की मैं तो कोशिश करूंगी कि पहले मैं एक डिबेंचर का अमाउंट लिख लूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे लिखना है तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के आगे मैंने एक डिबेंचर का अमाउंट लिखा एक सौ परसेंटेज डिबेंचर के आगे मैंने फेस वैल्यू लिख दी सौ लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दोनों भाई भाई हैं बिल्कुल सेम अमाउंट आएगा और वो अमाउंट आएगा जो रिडेम्पशन के समय हम प्रीमियम दे रहे हैं सौ के डिबेंचर को एक सौ पंद्रह में कितना प्रीमियम पंद्रह और पंद्रह एक सौ पंद्रह मत बोलना प्लीज भगवान के लिए तो पंद्रह और पंद्रह और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इशू के समय जो प्रीमियम दे रहे हैं सौ का डिबेंचर एक सौ दस में इशू कर रहे हो कितना प्रीमियम दस कृपा करके एक सौ दस मत बताना दस हो गया अब हमारे लिख लिया अब तीन सौ डिवेंचर है तो तीन सौ से आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हो ठीक है तो आपकी मर्जी है आप इसको थर्टी थाउजेंड को एक फेस वैल्यू मान के क्वेश्चन कर लो या फिर नहीं समझ आता जी मेरे को तो तो फेस वैल्यू से डिवाइड करके नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल के पहले एक डिबेंचर का अमाउंट निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर लो अब कौन कौन से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव और थर्टी सिक्स ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो बहुत आसानी से कर सकते हो ठीक है ये क्वेश्चन सॉल्व करके फटाफट मेरे को सेंड करो थैंक यू गॉड ब्लेस यू